बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद। शाह जनजानी का शाना जनजानी रावलपिंडी से आपसे मुखातिब हूँ। याद रहे कि मैं अपने महाना बजट पर 21 से 25 तक काशाना जनजानी रहूँगा। वो बहन भाई जो किसी भी रूहानी एस्ट्रोलॉजिकल सिलसिले में रहनुमाई लेना चाहे तो नीचे नंबर आ रहा है, वो टाइम लेके मिल सकते हैं। और हमारा मई के अलावा जून का आईना किस्मत भी मार्केट में आ चुका है, आप इसकी पिक्चर टाइटल पर देख रहे हैं। आजकल आसमानी काउंसिल पर जनाब एक बुरज हमल में राहु और मुश्तरी का जो किरान चल रहा है, ये गुरु चंडाल योग जनाब बना हुआ है। और इसी से राहु केतु से जनाब सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण लगते हैं। 20 अप्रैल को सूरज ग्रहण लगा और 5 मई को जनाब लगा है चांद ग्रहण। तो पाकिस्तान के इदारों के साथ साथ हमारे जो एक साबक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब, इनके जायचे के फर्स्ट हाउस में ये जनाब चांद ग्रहण लगा और देखेंगे उनकी शख्सियत पीटीआई की कितनी मकबूलियत हो रही थी। और एक यकदम जो 9 मई को एक ब्लैक रेस हुआ तो कितनी तेज़ी के साथ उनका ग्राफ कम हो रहा है। ये होती है जनाब सितारों की नौसत। सितारे हर ज़ीरो इंसान पे असर करते हैं और ये सितारे, ये काकशां, ये फलक राबर राय जिंदगानी है। अब हम बाद लोग देखते हैं कि किस तरीके से इसके असरात होते हैं। तो जिस तरह जनाब आप एक्सरे उतरवाते हैं मेडिकल साइंस के तहत तो आपकी पिक्चर आ जाती है, इसी तरीके से आसमान पे जब चांद ग्रहण सूरज ग्रहण लगता है वो आजकल तो मेडिकल साइंस, बल्कि पुराने ज़माने से हमारी वो बहनें बेटियां जो उम्मीद से होती हैं और उनकी जब जो लवाकिन होते हैं, नाना दादी, जो दादियां होती हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, बल्कि आजकल तो बेटियाँ ख़ुद पूछती हैं कि ग्रहण के बाद असरात से बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। उसके लिए हर अकल बालक मुसलमान पर जनाब नमाज वाजिब है, ग्रहण की पढ़ी जाती है और चावल का टोटा बाजरा मिला के सदका दिया जाता है। आपने अभी तक आज तक जो 5 मई का चांद ग्रहण है इसकी नमाज़ नहीं पढ़ी तो दो नफल कसूफ पढ़ें, और 20 अप्रैल को जो सूर्य ग्रहण लगा था उसकी नमाज़ नहीं पढ़ी तो दो नफल नमाज़ें कसूफ पढ़ के दुआ करें। और पाकिस्तान में जनाब ये जंगल में मंगल और यानी कानून में अजीब देखें कि अजीब तरह की कैफियत चल रही है कि पाकिस्तान में ला कानूनीत बड़ी धड़ल्ले से की जा रही है। और ये मेरे नज़दीक एज एस्ट्रोलॉजर ये पाकिस्तान के जायचे में मंगल के दिन पाकिस्तान दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जहाँ पे अल्लाह की अल्लाह को कुर्बानी पसंद है, यहाँ पे कुर्बानी को रोका गया है। और पाकिस्तान में क्या ही अच्छा होगा कि मंगल को तमाम जबा खाने खोल लिए जाएँ। ये पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम का सदका है। जिस दिन ये कुर्बानी खोल लीजिएगी पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह बेहतर होने लगेंगे। और माजी की अगर आप तारीख उठा के देखें तो पाकिस्तान में जो 6 मार्शल ला लगे, एक जुडिशल मार्शल ला, एक सिविल मार्शल ला ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का, और 4 फौजी मार्शल ला, और जो सानिया मॉडल टाउन, और जनाब ये 9 मई का जो ब्लैक डे है, मंगल है, तो जनाब ये सभी मंगल को पाकिस्तान में कोई ना कोई ऐसी अहम वाक़ियात होते हैं। और ये उसका रद्द अमल है जब हम सदका नहीं देते तो फिर सितारे अपने असरात पद देते हैं। आज कल पूरे मुल्क में जनाब 13-14 पार्टियाँ अपोजिशन, इमरान खान सब का टॉलरेंस लेवल ज़ीरो हो चुका है। हमारी अदलिया में देखें कि वहाँ भी एक तकसीम, और हुकूमत के जो मामलात हैं वो भी देखें कि हुकूमत का भी ग्राफ कम हो रहा है, और पाकिस्तानी अवाम कौम कितनी परेशान है। तो मेरे नज़दीक पाकिस्तानी अवाम, हुकूमत, अपोजिशन के लिए, हमारी जनाब अदलिया के लिए, और हमारी आवाज़ पास पाकिस्तान का एक मॉरल बुलंद होने के लिए, कौम में यूनिटी के लिए, क्या ये अच्छा हो कि मंगल को तमाम जबाखाने खोल दिए हैं। ये पाकिस्तान पाकिस्तानी की कौम का सदका है। और हमारा नया आईना किस्मत का शुमारा जून का आ चुका है। गुरु चंडाल योग क्या होता है ये सब जानने के लिए आईना किस्मत का मुतालिया करें। और हमारी जो खिदमात हैं ये 76 साल से मुसलसल है जारी है, और हमारी जो वेबसाइट जो नीचे आ रही है आप हर माह हमारा ताज़ा शुमारा आईना किस्मत वेबसाइट से भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। और याद रहे कि मैं 21-25 मई का शाना जनजानी रावलपिंडी रहूँगा। वो बहन भी जो किसी भी अपनी रूहानी एस्ट्रोलॉजिकल सिलसिले में रहनुमाई लेना चाहें जो नीचे नंबर आ रहा है टाइम लेके मिल सकते हैं। आपसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। खुदा हाफिज़।